हेलो एवरीवन वेलकम टू मैगनेट ब्रीन कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे मैं हूं करीना आप सबकी ईवीएस सभी का स्वागत है मैगनेट ब्रीन के चैनल पर स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैगनेट ब्रीन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सही भाई इंग्लिश मीडियम चैनल पर किन्डर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल है विद सीबीएसई बोर्ड एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक की सारी की सारी वीडियोस विद फाइव अदर स्टेट बोर्ड्स तो वो पांच स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई वो हैं यूपी बोर्ड एम बोर्ड दिल्ली बोर्ड बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड बिल्कुल सही आपको क्या करना होगा आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिएगा ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे साथ में आप सभी के लिए फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे कि वैदिक मैथ एंड स्पोकन इंग्लिश जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड साथ में एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है बिना किसी टेंशन के आप सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस रखिए एंड है बिल्कुल हैप्पी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करिए ठीक है ठीके? जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक दिया हुआ है सो so, उसे ग्रैप करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत बिल्कुल भी मत भूलिएगा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फाइव यानी कि लेट सेलिब्रेट की सारी एक्सरसाइजेस को है ना तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि भाई अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं वॉच किया है तो आपको एक्सरसाइजेस को सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है तो भाई सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से वॉच कर लीजिएगा ताकि भाई आप एक्सरसाइजेस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ आपको फुल में से फुल मार्क्स अगर चाहिए तो भाई एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल मत मिस मिस करिएगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है ना तो स्टूडेंट्स लेट सेलिब्रेट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम सब मिलकर सारे क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे समझेंगे एंड भाई ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए ठीक है ना तो रीडिंग के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट्स उसके बाद ही हम आंसर्स फाइंड आउट कर पाएंगे राइट तो आप अपने मार्क्स साथ साथ में नोट करते चलिएगा इससे क्या होगा भाई इससे मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपने कितना फोकस किया है एक्सप्लेनेशन वीडियो में है ना तो लास्ट में आप मुझे अपने मार्क्स बताना मत भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे सब पहले वीडियो को लाइक भी कर दीजिए शेयर करिए इस वीडियो के लिंक को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि आप सब मिलजुल कर स्टडी करें है ना फिर एक दूसरे से मार्क्स भी जरूर पूछिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोकस बनाए रखिएगा स्टूडेंट्स ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है सबसे पहला क्वेश्चन टेक द करेक्ट आंसर है ना तो हमें क्या करना है करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है जिसके लिए क्वेश्चन रीड करना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है राइट सो टेक द करेक्ट आंसर हम करेक्ट आंसर पे कब टिक कर सकते हैं जब हम क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे एंड समझेंगे जी सो फर्स्ट क्वेश्चन है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन तो इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई जितने भी वीडियोस ने अच्छे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनने एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से वॉच कर लिया है तो उनको पता ही होगा कि कौन से फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाते हैं जैसे कि क्रिसमस डे इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे गांधी जयंती इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा क्योंकि मैंने कहा था कि जो डेट्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो आपको डेट्स अच्छे से याद करना जरूरी है ठीक है so सो भाई इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है क्या इंडिपेंडेंस डे सेकेंड ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नहीं टू अक्टूबर को तो कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है है ना सो ट्वेंटी सिक्स जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्या नहीं भाई ट्वेंटी सिक्स जनवरी को भी कोई और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो भाई ये फिफ्टीन ऑगस्ट जिस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे सो 15th ऑफ अगस्त इज अ राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस दिन जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के क्या करते हैं फ्लैग को होइस्ट करते हैं है ना ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट को चलिए तो हम आगे बढ़ जाते स्टूडेंट्स ठीक है सो so, अब ये सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन अब रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट को तो अभी अभी हमने देखा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है तो ये इनकरेक्ट है है ना सेकंड अक्टूबर भी नहीं होगा ये भी इनकरेक्ट है दैट मीन्स राइट आंसर क्या है ट्वेंटी ऑफ जनवरी इस दिन आ, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट क्या करते हैं भाई परेड को परेड का सल्यूट लेते हैं लाइक like, है ना मैंने आप सभी को बताया था आ, कि दे जो प्रेसिडेंट है ही टेक्स सल्यूट ऑफ परेड है ना तो स्टूडेंट्स ट्वेंटी सिक्स तो जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे बिल्कुल सही आंसर है क्या ट्वेंटी सिक्स ऑफ जनवरी ठीक है तो भाई स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज थर्ड क्वेश्चन वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन तो गांधी जयंती कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई गांधी जयंती जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है है ना नेशनल फेस्टिवल है हमारे कंट्री का इंडिया का तो इस दिन महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऐसे फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जैसे हम गांधी जयंती बोलते हैं है ना तो ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड ऑफ अक्टूबर को ये आंसर जो है बिल्कुल कैसा है करेक्ट है है ना कैसा आंसर है भाई ये बिल्कुल करेक्ट है सेकेंड ऑफ अक्टूबर इस दिन महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है है ना तो भाई महात्मा गांधी जी को क्या टाइटल दिया गया था ये आप जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में क्या आप सबको याद है जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया हुआ है फादर ऑफ डैश है ना तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि क्या टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी जी को है ना तो भाई 15th ऑफ ऑगस्ट को क्या सेलिब्रेट किया जाता है ये या आपको याद हो गया होगा दैट इंडिपेंडेंस डे फिफ्टीन ऑफ ऑगस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है, है ना जिस दिन प्राइम मिनिस्टर कंट्री के हमारी कंट्री के क्या करते हैं फ्लैग को हेस्ट करते हैं ठीक है एंड इसके बाद ट्वेंटी सिक्स जनवरी को भाई क्या सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे बिल्कुल सही तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इज क्वेश्चन नंबर वन हमने एम सी क्यू सॉल्व कर लिए हैं सो so, हम क्वेश्चन टू पर आ गए हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड्स दैट मीन्स हर एक सेंटेंस में हमें दो दो वर्ड्स दे के रखे अगेन दो दो ऑप्शन देख के रखे आप देख पा रहे ना सब में दो दो ऑप्शन हैं, राइट तो इन दो ऑप्शंस में से इन दो वर्ड्स में से हमें एक करेक्ट वर्ड फाइंड करना है ठीक है तो हम अच्छे से सेंटेंस को रीड करेंगे उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि इन दो वर्ड्स में से कौन सा करेक्ट वर्ड होगा ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डैश इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स तो भाई कौन सा फेस्टिवल लाइट से जुड़ा होता है दिवाली क्योंकि भाई होली किसका फेस्टिवल है होली इज अ होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स राइट रंगों का त्योहार है है ना तो होली किससे रिलेटेड है कलर्स से इस दिन हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना आप सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई रंगों से खेलेंगे गुलाल लेकर आते हैं हम गुलाल लगाते हैं अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स को सारे रिलेटिव्स को पिचकारी से खेलते हैं राइट तो भाई होली के दिन बहुत मीठी मीठी गुजिया भी खाई जाती है मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है स्टूडेंट्स होली सो so भाई आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी है ना तो होली किसका फेस्टिवल है कलर्स का सो so ऑब्वियसली कलर कर, जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा दिवाली है ना सो so, दिवाली फेस्टिवल जो है लाइट से जुड़ा हुआ है क्योंकि दिवाली के दिन ढेर सारे दिए जलाए जाते हैं कैंडल्स घरों को अच्छे से डेकोरेट किया जाता है कलरफुल लाइट से है ना अच्छे से लाइन से लाइट्स लगाई जाती है बिल्कुल और बिल्कुल घरों को अच्छे से डेकोरेट किया जाता है साफ सफाई होती है दिवाली से पहले है ना और दिवाली के घर सारे घर चमकते हैं बिल्कुल सारे घरों में इतनी ज्यादा रोशनी होती है लाइट्स होती है दिए जल रहे होते हैं कलरफुल लाइट्स होती है घरों के बाहर है ना तो दिवाली किससे जुड़ा हुआ है लाइट्स से बिल्कुल एंड सेकंड क्या है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन तो भाई क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ आपको विंटर वेकेशन भी दिया जाता है है ना तो आप या विंटर वेकेशन यानी कि ठंड के टाइम तो ठंड मोस्टली दिसंबर में बहुत ज़्यादा होती है तो भाई स्टूडेंट्स जो क्रिसमस है ट्वेंटी जनवरी नहीं ट्वेंटी दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ये डेट आप याद कर लीजिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई ट्वेंटी दिसंबर को माना जाता है दैट क्रिसमस नाइट को भाई सेंटा क्लॉज आते हैं एंड भाई जब हम रात में सो रहे होते हैं हमारे पास में गिफ्ट्स रख कर जाते हैं आप सारे बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं वो एंड आपके लिए गिफ्ट्स रख कर चले जाते हैं जब आप सोते हैं तो है ना एंड मॉर्निंग में जब आप हैं तो देखते हैं आपके बेड पर गिफ्ट आ, भाई पड़े होते हैं बहुत सारे तो भाई सेंटर क्लॉज क्या लाते हैं बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ठीक है सो so क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करते हैं सारे क्रिश्चियंस है ना सो so ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है क्रिश्चियंस चर्च जाते हैं प्रेयर्स ऑफर करते हैं राइट केक को अच्छे से बेक करते हैं केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाते हैं और भाई एक दूसरे को विश करते हैं गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं है ना तो इस दिन माना जाता है कि सेंटा क्लॉज भी आकर बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं बहुत ही बेहतरीन है ना तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी दिसंबर को है ना अब नेक्स्ट है ईद कम्स आफ्टर ईद कब आती है भाई ईद कम्स आफ्टर डैश डेज ऑफ फास्टिंग कितने डेज की फास्ट, फास्टिंग के बाद ईद को सेलिब्रेट किया जाता है क्या थर्टी डेज की फास्टिंग के बाद या फिर फोर्टी डेज की फास्टिंग के बाद भाई मैंने एक, आपको एक्सप्लेनेशन बताया था कि एक महीने तक फास्टिंग की जाती है है ना तो एक महीना मतलब कितना होता है भाई एक महीने में फोर्टी डेज तो कभी नहीं आते मीनस थर्टी डेज के लिए फास्ट रखे जाते हैं एंड थर्टी डेज़ की फास्टिंग के बाद स्टूडेंट जी थर्टी डेज की फास्टिंग के बाद ईद को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है तो सारे मुस्लिम्स क्या सेलिब्रेट करते हैं ईद वो भी थर्टी डेज़ की फास्टिंग के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा त्यौहार है ईद है ना मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं भाई मॉस्क जाते हैं नमाज ऑफर करते हैं है ना तो भाई ऑब्वियसली थर्टी डेज की फास्टिंग रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो थर्टी डेज तक फास्ट रखा जाता है एंड उसके बाद ये फास्ट को ब्रेक किया जाता है जिस दिन उसे आ, किस फेस्टिवल के नाम से जाते हैं ईद के नाम से जी तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द द सिख गो टू गुरुद्वारा और टेम्पल्स टू ऑफर प्रेयर्स तो भाई टेम्पल में कौन जाते हैं प्रेयर्स को ऑफर करने ये मैं बता चुकी हूँ आप सभी को कि हिंदूज जाते हैं राइट right? मुस्लिम्स कहाँ जाते हैं अभी अभी हमने देख समझा कि मॉस्क जाते हैं नमाज ऑफर करते हैं क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं चर्च टू ऑफर प्रेयर्स है ना देन भाई जो सारे सिख हैं वो कहाँ जाते हैं गुरुद्वारा है ना क्योंकि टेम्पल्स में कौन जाते हैं सारे हिंदू तो इसलिए गुरुद्वारा में कौन जाते हैं सारे के सारे सिख है ना और क्या करते हैं वहाँ पर प्रे करते हैं गॉड को प्रेयर्स ऑफर करते हैं ठीक है बिल्कुल भाई हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि भाई हमारी लाइफ इतनी अच्छी है हम अच्छे से पढ़ रहे हैं अच्छे से हम खाना खाने को हमें मिलता है इतने अच्छे पेरेंट्स हैं इतने सारे आपके पास स्टोरीज़ हैं बुक्स है तो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए एंड गॉड को हमेशा हमें थैंक यू बोलना चाहिए ठीक है सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इज वी कॉल महात्मा गांधी बापू और चाचा तो भाई मैंने जैसे कि आपको बताया था कि महात्मा गांधी को टाइटल दिया गया था सो so, महात्मा गांधी जी को एक टाइटल दिया गया था वो टाइटल क्या था स्टूडेंट्स फादर ऑफ नेशन ठीक है फादर ऑफ नेशन यानी कि ये पूरा नेशन हमारे आ, हमारी इंडिया कंट्री में जितने भी सारे इंडियंस रहते हैं तो महात्मा गांधी जी को क्या कहकर बुलाते थे बापू क्योंकि ऑब्वियसली फादर को चाचा थोड़े बोलते बापू ही बोलते तो सब लोग उन्हें बापू बापू जी कहकर बुलाते थे तो इसलिए उन्हें नाम दिया गया था फादर ऑफ नेशन ठीक है ये टाइटल दिया गया था तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बापू अच्छा चाचा किसे कहते हैं ये बताइएगा ये जो मैं आपको हिंट दे रही हूँ अभी फोर्टीनथ नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है वो उस दिन हम किन कौन से लीडर को याद करते हैं किन्हें याद करते हैं और उन्हें चाचा कहते हैं तो आपको नाम बताना है उनका कि उनका क्या नाम है जिस दिन हम फोर्टीन नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं उनकी याद में ठीक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये आप सभी का होमवर्क है ठीक है कि चाचा किसे कहा गया था चाचा का किसे टाइटल दिया गया था ऑल राइट right. तो भाई सारे ये जो क्वेश्चन टू के जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें हमने करेक्ट वर्ड फाइंड कर लिए हैं अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ ऑल राइट सो मैच द पिक्चर्स विद द फेस्टिवल्स आपको इन पिक्चर्स को पिक्चर्स जितनी भी दी गई हैं इनको ये करेक्ट फेस्टिवल से मैच करना है ना यहाँ पर ये पिक्चर्स सबसे पहले हमें दिख रही है क्रैकर्स की कुछ फटाके दिख रहे हैं ये कब जलाए जाते हैं कौन से फेस्टिवल पर ये सेवैयाँ कब तैयार की जाती है कौन से फेस्टिवल पर इसे बनाया जाता है ये आपको बताना है सेंटा क्लॉज किस दिन आते हैं कौन से फेस्टिवल पर आते हैं एंड लंगर कब मनाया जाता है ये आपको बताना है तो हमें इन पिक्चर्स को करेक्ट फेस्टिवल से मैच करना है ठीक है तो भाई सबसे पहले ये क्रैकर्स दिए गए हैं ये क्रैकर्स कब बोस्ट किए जाते हैं कब बर्न किए जाते हैं दिवाली पर ठीक है नेक्स्ट इज भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्रैकर्स हमें बर्न नहीं करने चाहिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं क्रैकर्स जैसे ही हम बर्न करते हैं ना और जैसे ही ये बोस्ट होते फटते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स इनमें से निकलते हैं बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं है ना जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होता है वो नॉइज से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ओल्डर पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सारे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा भाई प्रॉब्लम आती है एनिमल्स भी स्ट्रगल करते हैं दिवाली के टाइम है ना तो स्टूडेंट्स हमें क्रैकर्स बर्न नहीं करने से ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी क्रिएट होता है जिससे हम हम अच्छे से क्लियर नहीं देख पाते हैं ऐसे स्मोक पूरा क्रिएट हो जाता है एटमोसफियर में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंजेस होते हैं केमिकल्स होते हैं है ना तो बहुत ज़्यादा काफ़ी स्मोक जो है एटमॉस्फेयर में आकर मिक्स हो जाता है जैसे हम ब्लड हमें ब्लड दिखाई देता है बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई देता है, है ना और इस पोल्यूशन के कारण हम अच्छे से ब्रीद भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन हो जाता है भाई वो सारा इम्प्योर हो जाता है इतना ज़्यादा डस्ट स्मोक इतना डस्ट पूरा मिक्सचर ऐसा बन जाता है सारी हार्मफुल थिंग्स का तो क्रैकर्स हमें मन नहीं करने चाहिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इससे हमें इंजरी भी हो सकती है वी कैन फेस बर्न्स राइट तो हमें बिल्कुल भी क्रैकर्स बर्न नहीं करने स्टूडेंट्स अभी तो आप छोटे हैं तो आप ट्राई करिए कि भाई कुछ क्रैकर्स जो आप बर्न कर रहे हैं जैसे फुल जड़ी आप जला सकते हैं यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रही है वो भी आप अपने पेरेंट्स के सामने ही उनकी हेल्प लेते हुए ही बर्न करें लिमिट में ही ये क्रैकर्स को बर्न करें तो अच्छा होगा है ना लेकिन क्रैकर्स जलाने की कोई भी नीड नहीं है हमें ट्रेडिशनल वेज़ में ही दिवाली को सेलिब्रेट करना चाहिए ठीक है तो ये क्रैकर्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये आप समझ जाइए हमें बिल्कुल भी क्रैकर्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इस मतलब like, हम क्रैकर्स परचेज करके एक तरीके से मनी वेस्ट ही कर रहे हैं है ना क्रैकर्स को जला रहे हैं दैट मीन्स भाई आप मनी को जला रहे हैं एंड आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ऐसे पोल्यूशन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा तो बिल्कुल हमें ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए ट्रेडिशनल वेज़ में भई आप दिवाली सेलिब्रेट करिए अपने मेंबर्स के साथ डांस करिए गाने गाइए अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए गिफ्ट्स एक्सचेंज करिए है ना तो भाई क्रैकर्स मत मतम करिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेवैयाँ कब बनाई जाती है ये ईद पर ठीक है so, सो ईद को सेलिब्रेट किया जाता है थर्टी डेज की फास्टिंग के बाद थर्टी डेज तक फास्ट रखा जाता है फास्ट को फॉलो किया जाता है एंड जिस दिन फास्ट ब्रेक होता है वो होता है ईद है ना उस दिन सेलिब्रेट की जाती है ईद एंड उस दिन सेवैयाँ बनाई जाती है ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस डिश होती है मिल्क से बनती है जिसमें बहुत सारे नट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं है ना तो भाई आप सब भी ट्राई करिएगा अगर आप में से किसी ने ट्राई नहीं करी है तो तो ईद पर ये सेवइयां बनती है ऑलराइट right, अब क्रिसमस पर माना जाता है कि सेंटा क्लॉस आते हैं है ना टू गिव गिफ्ट्स क्या देने आते हैं गिफ्ट्स देने आते हैं आप जैसे छोटे-छोटे बच्चों को ऑलराइट right, तो माना जाता है कि सेंटा क्लॉस पर क्रिसमस आते हैं टू गिव गिफ्ट्स टू स्मॉल चिल्ड्रेन एंड नेक्स्ट इज लंगर कब बनाया जाता है भाई लंगर गुरु पूरब पर ठीक है बिल्कुल गुरु पूरब जो है सिख लोगों का त्यौहार है इस दिन गुरुद्वारे में लंगर बनाया जाता है सब अमीर गरीब मिलकर सब आपस में साथ में बैठकर फ्लोर पर क्या आ, क्या खाते हैं भाई फूड खाते हैं मतलब कि लंगर इसे चखते हैं ठीक है तो सब साथ में बैठते हैं चाहे कोई भी अमीर हो गरीब हो सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं एंड ये लंगर में जितना भी भोजन तैयार होता है जितने भी फूड आइटम्स बनते हैं इसे टेस्ट करते हैं सब जमीन पर बैठ फ्लोर पर बैठ ठीक है तो गुरुपूर्व पर ये लंगर तैयार किया जाता है एंड सब में बांटा जाता है सो right, so भाई आप चाहें तो नंबरिंग लिखें इससे बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि कैसे आपको नंबरिंग लिखनी है भाई दिवाली के दिन क्रैकर्स बोर्न किए जाते हैं तो यहाँ पर वन आ जाएगा एंड सीवाइया कब तैयार की जाती है ईद पर है ना और क्रिसमस के दिन कौन आते हैं भाई सेंटा क्लॉस नेक्स्ट इज फोर्थ क्या है लंगर का बनता है गुरु पूरब पर तो बिल्कुल आप ऐसे नंबरिंग भी लिख सकते हैं ऑल राइट right. तो ये मैच हमारे हमने पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर की तरफ आपको ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं अच्छे तरीके से और ये ग्रीटिंग कार्ड्स आप किन्हें देंगे अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को या फिर आप अपने पेरेंट्स एल्डर्स फैमिली मेम्बर्स ग्रैंड पेरेंट्स टीचर सबको दे सकते हैं ठीक है ठीके? आप जिससे चाहते हैं देना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या जिससे बहुत ज़्यादा पसंद करते उन हैं उन्हें ये ग्रीटिंग कार्ड्स दीजिए तो ये ग्रीटिंग कार्ड्स आखिर बनाने का है आपको दिवाली के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाना है क्रिसमस के लिए और एक ईद के लिए है ना तो यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं दिवाली मैं आपको बता देती हूँ वैसे आपको अपनी क्रिएटिविटी का भी यूज़ करना है स्टूडेंट्स ये हो गया क्रिसमस नेक्स्ट इज ईद ठीक है तो ये तीन फेस्टिवल्स पर आपको क्या तैयार करने हैं भाई ग्रीटिंग कार्ड्स तैयार करने हैं एंड आप इन्हें अपने फेवरेट पर्सन को दे सकते हैं चाहे वो पेरेंट्स हो ग्रैंड पेरेंट्स हो ठीक है फ्रेंड्स हो रिलेटिव हो टीचर्स हो किसी को भी आप ये ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे एंड अपने आइडियाज के हिसाब से ग्रीटिंग कार्ड अच्छे से सुंदर तरीके से सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स बनाइए अच्छे से डेकोरेट करिए एंड भाई इन्हें दीजिए ताकि भाई आपके फेवरेट पर्सन के चेहरे पर क्या आ जाए एक स्माइल आ जाए एंड उन्हें भी हैप्पी फील हो है ना तो चलिए सबसे पहले हम कुछ दिए बना रहे हैं दिवाली के लिए एंड अच्छे से कलर फिल कर देंगे इनमें इन दियो में हम अच्छे से क्या फिल कर देंगे कलर फिल कर देंगे ताकि दिए अच्छे लगें बहुत ज़्यादा सुंदर लगें हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं इनमें उसके बाद हम फ्लेम बनाने के लिए हम दियों को लाइट करते हैं तो फ्लेम बनाने के लिए ऑरेंज येलो या रेड का रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे ठीक है सपोज मैं ऑरेंज का इस्तेमाल कर रही हूँ अच्छी से फ्लेम बनाने के लिए ठीक है बिल्कुल ऐसे ही फ्लेम बनाएंगे हम थोड़ी रोशनी आप ऐसे दिखा सकते हैं राइट right? अब हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हेल्प लेते हुए थोड़ा बहुत डेकोरेट करेंगे ज़्यादा नहीं आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये हम दिवाली के लिए कर रहे हैं अच्छे अच्छे दिए मिलते हैं इस टाइम मार्केट में एकदम कलरफुल डिज़ाइन्स वाले तो आप ऐसे ही डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा आपका दिया पहले हम बीच में लिख देते हैं हैप्पी दिवाली यहाँ पर जिसको भी आप दे रहे हैं उनका नाम लिख सकते हैं आपके फ्रेंड का नेम है पेरेंट्स का नेम है किसी को भी आप दे रहे हैं आप उनका नेम लिखिए है, है ना सो हैप्पी दिवाली लिख सकते हैं अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं इसे नेम लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा हम अच्छे से लाइट्स जैसे हमारे घरों में लगाते हैं वैसे ही हम लाइट्स ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर ठीक है तो ये ब्यूटीफुल लाइट्स जो है आप ऐसे ग्रीटिंग कार्ड बनाइए और भाई डेकोरेट करिए और अच्छे से दीजिए है ना अपने फ्रेंड्स को पेरेंट्स को जिन्हें भी आप देना चाहते हो अब हम क्रिसमस के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं तो एक क्रिसमस ट्री बना सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स ऑल राइट right, तो हम क्रिसमस ट्री तैयार कर ले रहे हैं सबसे पहले पेंसिल शार्प करके ही बनाइएगा तो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा ऑल राइट right. अब हम ब्राउन कलर लेंगे यहां पर ट्रंक तैयार कर लेंगे अच्छे से ठीक है ये क्रिसमस ट्री पर आप थोड़े गिफ्ट्स वगैरह लगा सकते हैं सो so, अच्छे से बनाइए हम यहाँ नीचे से शिफ्ट कर रहे हैं बीचों बीच बनाएंगे ठीक है सो आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे एक ट्री बनाने के लिए अच्छे से ऑल राइट right. तो आप अच्छे से कुछ लाइटिंग्स ऐसे दिखा सकते हैं कि लाइट्स लगे हैं यहाँ पर पेड़ पर अब इन पर ये लाइट्स आप ऐसे शो कर सकते हैं ठीक है अब हम कुछ गिफ्ट्स लगा देते हैं यहाँ पर जल्दी से ऐसे करके आप अपनी मर्जी से इसे डेकोरेट करेंगे अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके तो काफी सुंदर लगेगा है ना चलिए तो यहाँ पर ये कुछ अच्छे से चीजें आप लगा दीजिए ताकि और सुंदर लगे अच्छे से कलर फिल करिए कुछ स्टार्स हम बना सकते हैं ठीक है तो हम स्टार्स बना लेते हैं यहां पर ठीक है ऑल राइट तो आप अच्छे से स्टार्स बना सकते हैं बिल्कुल ताकि और सुंदर लगे ऐसे ही आप क्रिसमस का कार्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे हैप्पी क्रिसमस टू ऑल या आप जिसको भी कार्ड दे रहे हैं आप उनका नेम लिखेंगे राइट चलिए तो हैप्पी क्रिसमस है ना चलिए तो अब ये लिख दिया हमने अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए कलर्स का यूज़ करिए ब्यूटीफुल कलर्स का यूज़ करिए नेक्स्ट ईद के लिए हम एक मून बनाएंगे एंड भाई स्टार शो करेंगे बस है ना सो so आप बिल्कुल ऐसे ही आसमान में एक मून शो कर सकते हैं और भाई एक स्टार हम बनाएंगे आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं भाई अच्छे से बनाइएगा ताकि और सुंदर लगे ठीक है अब नेक्स्ट डेज हम कुछ छोटे छोटे से ऐसे स्टार्स दिखा देंगे आसमान में है ना तो हम यहां पर लिख देते हैं अच्छे से हैप्पी ईद ठीक है तो अच्छे से आप ये कार्ड्स को क्रिएट करें डेकोरेट करें ताकि और भी सुंदर नजर आए ऐसे कुछ करके आप डेकोरेट कर सकते हैं राइट right? तो ऐसे करिए ठीक है ना तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव भाई सपोज करिए आपके फ्रेंड का बर्थडे है ठीक है चलिए सो सपोज यू वांट टू सेलिब्रेट योर फ्रेंड्स बर्थडे इमेजिन करिए आपको अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करना है सो विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विल यू पुट ऑन बर्थडे टेबल तो इनमें से कौन सी कौन सी चीजें आप इस बर्थडे टेबल पर रखेंगे ये एक बर्थडे टेबल है जिस पर अभी बर्थडे केक होगा बहुत सारी चीजें होंगी तो आपको कुछ इमेजेस यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी इनमें से आपको चीजें चूज करनी है कि आप इस बर्थडे टेबल पर क्या क्या चीजें रखेंगे अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ठीक है so, सो जल्दी से बताइएगा आप भी कमेंट सेक्शन में और मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ आप सभी के साथ साथ तो हमें टिक करना है उन चीजों को अब यहाँ पर हमें कैंडल्स नजर आ रही है तो कैंडल्स पर हम टिक कर देते हैं सबसे पहले कैंडल्स कैंडल्स हम रखेंगे है ना फोन की तो ज़रूरत नहीं है और उसके बाद कैंडीज कैंडीज पर हम टिक कर देते हैं यहाँ पर कैंडीज रखेंगे राइट right, बिल्कुल सही रेडियो की भी ज़रूरत नहीं है आप भाई स्टूडेंट्स यहाँ पर शार्पनर की जरूरत नहीं है और बुक्स की ज़रूरत नहीं है भाई पढ़ाई थोड़ी करेंगे हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे कैप रखेंगे ठीक है तो बर्थडे कैप हो गया नेक्स्ट इज बिस्किट्स बिस्किट्स भी रख देंगे अच्छा यामी बिस्किट्स हैं है तो वो भी रख देंगे ऑल राइट ठीक है सो ये हो गए बिस्किट्स नेक्स्ट क्या है भाई कैंडल्स कैंडीज कैप एंड बिस्किट्स ये सारी चीजें हम रखेंगे है ना बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई फोन की जरूरत नहीं है रेडियो की जरूरत नहीं है तो भाई ये सारी चीजें ही हम रखेंगे बस है ना तो भाई बहुत ही अच्छे से हम ये सारी चीजें अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे यहाँ पर और आप चाहें तो भाई आप भी बताइए कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर आ सकती है जैसे बर्थडे केक आ सकता है राइट बर्थडे केक आएगा और क्या चीजें आ सकती है कुछ स्नैक्स हम रख सकते हैं है ना तो भाई ये चीज़ काफ़ी है ये इमेज में हमने टिक कर लिया है बाकी क्रॉस कर दिया है जिनकी जरूरत नहीं है ऑल राइट right, तो भाई आगे बढ़ जाते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ठीक है क्वेश्चन सिक्स इज फाइंड आउट द डेट्स एंड द मंथ्स वेन द फॉलोइंग फेस्टिवल्स विल फॉल द नेक्स्ट ईयर भाई हमें बताना है कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में अगले साल ये सारे फेस्टिवल्स कब कब हम मनाने वाले हैं कब कब सेलिब्रेट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में ये मैं आपको पहले से ही बताने वाली हूँ तो इस क्वेश्चन में एक्सैक्टली exactly यही करना है कि होली 2025 में हम कौन सी डेट को कौन से महीने में सेलिब्रेट करने वाले हैं हम ये पता करेंगे एंड यहाँ पर हम फिल करेंगे ठीक है तो चलिए होली कब सेलिब्रेट करेंगे फ्राइडे को फोर्टीन डेट है यानी कि फोर्टीन मार्च मंथ कौन सा है मार्च तो फोर्टीन मार्च को 2025 में हम होली सेलिब्रेट करेंगे है ना फ्राइडे 14 मार्च 2025 रक्षाबंधन कब सेलिब्रेट होगी भाई सैटरडे नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट 2025 तो होली के दिन भाई रंगों से खेलेंगे रक्षाबंधन पर यानी कि नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट को भाई को राखी बांधेंगे है ना चलिए अब इसके बाद फिर बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते होंगे है ना स्टूडेंट्स आप सभी को चलिए अब दिवाली लाइट्स का त्योहार है दिवाली कब मनाएंगे सैटरडे एटीन ऑफ अक्टूबर से लेकर थर्सडे 23 ट्वेंटी थ्री ऑक्टूबर तक यानी ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री पूरे सिक्स दिन का ये त्योहार है छः दिन का त्यौहार है तो सैटरडे से लेकर थर्सडे तक ये दिवाली मनाई जाएगी ठीक है कब 2025 में 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक समझ गए आप सभी ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं जन्माष्टमी की तरफ इस दिन किसका जन्म हुआ था कृष्ण जी का है ना कृष्ण भगवान जी का क्या हुआ था जन्म हुआ था इसलिए जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है माना जाता है कि भाई जो कृष्ण जी हैं कृष्ण भगवान उनका क्या हुआ था जन्म हुआ था इस दिन तो इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज जन्माष्टमी ठीक है तो ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा पंद्रह अगस्त यानी कि फिफ्टींथ ऑफ अगस्त को तो अगस्त में भाई रक्षाबंधन भी है एंड जन्माष्टमी भी ठीक है 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 अब कब मनाएंगे भाई 30 की की के के बाद तो तो के बाद तो तो जाता जाता सोचिए कितनी होगी जिस दिन फास्ट ब्रेक होता है, उस दिन होता उस को मनाया सिवैया मनाई जाती है ना तो मंडे थर्टी फर्स्ट मार्च को मनाया जाएगा ईद ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव में ठीक है अब मार्च में मनाया जाएगा ये ईद एंड नेक्स्ट होली भी मार्च में है ठीक है ना तो अब दशहरा कब है भाई यह भी अक्टूबर में है जब दिवाली भी अक्टूबर में है 18 से लेकर 23 तक लेकिन दशहरा यानी कि विजयदशमी ये कब मनाया जाएगा भाई 2025 में थर्सडे 2 टू ऑफ ऑक्टूबर सेकेंड अक्टूबर को ठीक है सेकेंड ऑक्टूबर को और क्या आता है जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ कि टू अक्टूबर को और कौन सा नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है भाई आपको स्कूल की छुट्टी भी मिलती होगी तो कौन सा फेस्टिवल होता है टू अक्टूबर को ये बताइएगा दो फेस्टिवल्स हैं दशहरा भी और गांधी जयंती भी ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन ठीक है लेट ऑफ क्रैकर्स भाई हम क्रैकर्स बर्न करते हैं कब कब बर्थडेज पर करते होंगे आप सभी वेडिंग्स पर फेस्टिवल्स पर आपने देखा होगा कि क्रैकर्स को बोस्ट किया जाता है सेलिब्रेट करने के लिए सो दे मेक आर एयर डर्टी तो भाई बिल्कुल ये क्रैकर्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं हमारी हेल्थ के लिए भी नहीं हमारे नेचर के लिए भी नहीं एनवायरमेंट के लिए भी नहीं और एनिमल्स के लिए भी नहीं एल्डर्स के लिए भी नहीं किसी के लिए ये क्रैकर्स सही नहीं है हमारी हेल्थ पर अफेक्ट पड़ता है हम बीमार पड़ जाते हैं ठीक है ठीके? भाई प्रदूषण होगा पल्यूशन होगा तो ये पल्यूशन से जो एयर है वो डोटी हो जाएगी और हम बीमार पड़ सकते हैं ठीक है ओब्वियसली भाई हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर डोटी एयर जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स तो फिर क्या होगा हमें इन्फेक्शन हो सकता है हमें कोई भी बीमारी हो सकती है तो भाई वी कैन फॉल्स इक ईजिली है ना तो क्रैकर्स बर्न करना बहुत ज़्यादा बुरी बात है भाई मैं तो ऐसा ही मानती हूँ सो डू यू थिंक वी शुड हैव फन ब लेटनिंग ऑफ क्रैकर्स आप सब क्या सोचते हैं भाई क्या हमें क्रैकर्स बर्न करते हुए भाई सेलिब्रेट करना चाहिए फ़न करना चाहिए क्या इन्जॉय ऐसे ही होता है क्या क्रैकर्स जला कर क्रैकर्स बोस्ट कर कर फन होता है क्या भाई नहीं सो राइट एंड फ्यू सेंटेंसेस कुछ सेंटेंसेस में हमें लिखना है सो नो वी शुड नॉट हैव फन बाई लेटिंग ऑफ क्रैकर्स बिल्कुल भी हमें फ़न नहीं करना चाहिए क्रैकर्स बर्न करते हुए भाई कुछ भी हो सकता है कोई भी इंजरी हो सकती है एज इट विल क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन भाई जैसे ही आप बोस्ट करने जाएंगे नॉइज तो क्रिएट हो गई नॉइज़ पोल्यूशन होगा जिससे एनिमल्स को भाई प्रॉब्लम हो सकती है वो एनिमल्स सारे के सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे है ना और ओल्डर पीपल जितने भी होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है तो हमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं क्रिएट करना चाहिए क्रैकर्स बोस्ट करते हुए आल्सो एयर पोल्यूशन होता है बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंसेस भाई सारे एयर में मिक्स हो जाते हैं जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और देखना भी मुश्किल हो जाता है इतना ज़्यादा एयर को ये क्रैकर्स डोटी बना देते हैं कि हमें बिल्कुल ब्लर दिखाई देता है हम क्लियर नहीं देख पाते तो भाई ये बहुत गलत बात है सो वी कैन फेस सेवरल बर्न्स हमारा हाथ जल सकता है कोई भी इंजरी हो सकती है तो स्टूडेंट्स आप सभी को क्रैकर्स नहीं बर्न करने चाहिए आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए बाय चांस आपके आप जला भी रहे हैं कोई छोटा सा क्रैकर भी अगर आप जला रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहिए ठीक है उन अगर वो आपके सामने हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन हमें क्रैकर्स लिमिट में आप बर्न करिए दिवाली पर ही ठीक है हर किसी फेस्टिवल पर ओकेजन पर हमें क्रैकर्स नहीं बर्न करने चाहिए ठीक है ये वेस्ट ऑफ मनी है स्टूडेंट्स क्रैकर्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज है मैं ऐसा मानती हूँ तो स्टूडेंट्स अगर आप आ, इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रैकर्स ख़रीद रहे हैं दैट मीन्स भाई आप क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं आपने पैसे को जला रहे हैं राइट right? सो so भाई हमें ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है क्रैकर्स को बर्न नहीं करना चाहिए ट्रेडिशनल वे में ही दिवाली मनानी चाहिए बिल्कुल अपने रिलेटिवस के साथ मिलिए डांस करिए गाना गाइए अच्छे अच्छे डिशेज़ को ट्राई करिए और अच्छे से तरी लाइक अच्छी ड्रेसेस पहनी अच्छे से तैयार हुई सो so, दूसरों को विश करिए भाई अच्छे से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाइए ऐसे ही दिवाली बनाइए स्वीट्स को इन्जॉय करिए और है ना होम मेड आइटम्स एंजॉय करिए ऐसे दिवाली बनाइए ट्रेडिशनल वेज में बिल्कुल क्रैकर्स को बर्न नहीं करना है और right, समझ गए आप सभी ठीक है सो so, बिल्कुल भी हम किसी भी आ, अपने मनी से क्रैकर्स को नहीं खरीदेंगे अच्छे से दिवाली मनाएंगे ठीक है सारे सेलिब्रेशंस पर भी आपको क्रैकर्स बर्न करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इच्छा है तो भाई फुलझड़ी आप जला सकते हैं थोड़े बहुत क्रैकर्स सही है लेकिन आपको ज़्यादा क्रैकर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ठीक है ऑल राइट तो भाई दूसरों को भी हेल्प हमें करनी चाहिए पुअर पीपल को भी हमें स्वीट्स बांट कर खाना चाहिए ईमेल बांट कर खाना चाहिए अपने पुराने कपड़े डोनेट करिए प्लांट्स का ध्यान रखिए एनिमल्स का ध्यान रखिए एंड हमेशा खुश रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपके मार्क्स कितने आए हैं और भाई वीडियो को लाइक तो करना ही है वीडियो की लिंक को भी ज़रूर शेयर करिएगा मैनर ब्रेन को सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ये सारे बोर्ड आपको मिल जाएंगे जैसे कि बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड के साथ कवर करवाया जाता है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर एंड व्हाट्सएप एप यहाँ पर भी जुड़ जाइए ठीक है इसके साथ साथ भाई आप मैनेजमेंट की एप्लीकेशन भी चेक कर सकते हैं और ये रही वेबसाइट नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so, उसे क्रैप करने के लिए लिंक चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय चेक केयर एंड कीप लर्निंग